आज मैं आपको रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में बताना चाह रही हूं। 1% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज हैव रिकरेंट अबॉर्शंस। इसका मतलब क्या है? उनको एक बार अबॉर्शन हुआ, फिर उनको दोबारा अबॉर्शन हुआ, फिर उनको तिबारा अबॉर्शन हुआ। जब भी दो या दो से ज्यादा कॉन्सिक्यूटिव अबॉर्शंस होंगे उसको रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। ये एक स्पेशल सिंड्रोम है जिसके कारण सिंगल स्पोरैडिक अबॉर्शन से अलग है। इसमें स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसमें कि एक एप्ला सिंड्रोम है जिसमें बैटरी ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक कैरियोटाइपिंग हस्बैंड एंड वाइफ की जाती है जिससे ये पता चलता है कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं। ज्यादातर आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट्स के अंदर बार बार प्रेगनेंसी होती है पर उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आती है। सिंपल वे में आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन डिटेल में होगा, आपका डिटेल अल्ट्रासाउंड होगा, आपको डायबिटीज और थायराइड के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आपको एक एप्ला सिंड्रोम और आपकी कैरियोटाइपिंग कराई जाएगी। बहुत सिंपल टेस्ट से सिस्टमैटिक वे में ट्रेंड डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं और अगर आपकी बीमारी पकड़ी गई तो आपको चांसेस हैं कि 60% 70% पे आपको बच्चा हो जाएगा। सो आप रिकरेंट अबॉर्शन के लिए डेडिकेटेड रिकरेंट अबॉर्शन क्लिनिक्स हैं उन्हीं के पास जाइए और सिस्टमैटिक वे में जो डॉक्टर साहब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हैं उनको कराइए। इसमें थोड़ा हस्बैंड का भी रोल होता है, उनके भी टेस्ट जब वो साहब के साथ जाएंगे तो उनका टेस्ट हो पाएगा। आपको निराश नहीं होना है, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपर्ट क्लिनिक में ही जाना है।